फिर अलग अलग पिच सीखेंगे, जैसे कोई गाना तेरे नाम यहां से भी लिया जा सकता है, तेरे नाम यहां से भी, और तेरे नाम है ना, इसी को तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, अलग अलग पिच बढ़ा रहा हूं मैं इसका, धीरे धीरे पिच ऊपर चढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे 12 पिच होते हैं, तो हम उन 12 पिचों को सीखेंगे हम कि 12 कौन कौन से सुर हैं जहां से गाने बन सकते हैं, क्योंकि तेरे नाम किसी और पिच से होगा, फिर आपने कोई लाल दुपट्टा लिया वो किसी और पिच से होगा, जनगणमन वो किसी और पिच से होगा, आपका कोई दूसरा फेवरेट गाना वो किसी और पिच से होगा, 12 में से किसी में भी तो हो सकता है वो। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से किस तरह से अलंकार बजाए जाते हैं, किस तरह पलटों का रियाज होता है, कैसे आपके हाथ में स्पीड आएगी, क्लैरिटी आएगी, पिच की सेंस आएगी, पिच समझना, सुर समझना, स्वर ज्ञान और लय ज्ञान, ये दो टॉपिक्स तो आपको करने ही होंगे, है ना। तो ये दो टॉपिक्स लिख लीजिए कि स्वर ज्ञान और लय ज्ञान, ये हम करेंगे, ठीक है। अब लय ज्ञान में मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा जिससे कि हम लय स्पीड को समझेंगे, है ना। लय शब्द आपने सुना होगा, स्पीड और पिच, ये दो ही चीजें संगीत में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, है ना। तीन स्तंभ हैं, तीन पिलर्स हैं जिसपे पूरा म्यूजिक टिका हुआ है, म्यूजिक जिस पर खड़ा है, वो तीन पिलर्स हैं, सुर, लय और ताल। लिख लीजिए, तीन पिलर्स हैं, सुर, लय और ताल। इन तीनों को हमें समझना है, इनका सेंस हमारे अंदर डेवलप करना है। जिस तरह से मैं कहता हूँ इंसान के पास 5 सेंसेस होते हैं, है कि नहीं, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सूंघ सकता है और वो महसूस कर सकता है टच को। ये 5 सेंसेस होते हैं। इसके अलावा छठा जो हमारा सेंस है वो कॉमन सेंस होता है, है ना। और सातवां सेंस जिसे मैं कहता हूं संगीत का या कला का सेंस होता है। तो सातवें सेंस पर हमें काम करना है जिसमें स्वर का सेंस आता है, यानी पिच का सेंस। अगर मैंने बोला है तो इस पिच को आप मैच कर सके, है ना, इसको मैच कर सकें, भले ही बजा के भले ही गा के, दोनों ही तरह से। भाई हारमोनियम भी बजाओगे तो बजा क्या रहे हो, उसमें गाना ही तो बजाओगे, है ना। आपका कोई पसंदीदा गाना बताइए। दिल है कि मानता नहीं, है ना। इस तरह से अगर इसकी धुन जा रही है तो इस धुन को हारमोनियम पर भी बजाना है अगर आपको, जाहिर सी बात है, अगर आप ये उम्मीद लेके आए हैं कि भैया ये जो गाना है ये मैं हारमोनियम पे बजा लूँ, मुझे अच्छा लगे, मुझे संतुष्टि मिलती है गाना बजा के, खुशी मिलती है, ठीक है। तो दिल ये एक पिच है, एक ऊंचाई है, इसको पहचानना सबसे पहले तो, कि ये दिल दे दे दे, इसे क्या कहते हैं, ईयर ट्रेनिंग, है ना। तो मैं आपकी ईयर ट्रेनिंग करूंगा। ईयर ट्रेनिंग यानी आपके अंदर दो चीजें डालूंगा, क्या, स्वर ज्ञान और लय ज्ञान, यानी कि पिच परफेक्शन और स्पीड परफेक्शन, है ना। अब दिल है कि मानता नहीं, 2, 3, 4, ये इसकी स्पीड जा रही है ना, इससे तेज नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, ऐसे नहीं है, या दिल है कि मां, इतना स्लो भी नहीं है, है ना। इसकी पिच है, इसकी एक स्पीड है, स्पीड की एक फ्रीक्वेंसी है, उसे हमें समझना होगा कि स्पीड्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, पिच में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, क्योंकि हर गाने का अलग पिच होगा। भाई ये एक गाना आपने लिया, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा गाना ले, दूसरा गाना बताइए मुझे। तेरे नाम हमने किया है, अब ये थोड़ा लो हो गया, इसी गाने को मैं ऊंचा ले लूं। तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम है रे, जीवन अपना सारा सनम तेरे नाम, है ना। इसी गानों को मैंने थोड़ा सा ऊंचा लिया, थोड़ी सी आपने देखा इसका सुर चढ़ गया, या फिर तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम है रे, ये और ऊंचा ले लिया, है ना। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, पिच बदल रहा हूं कि नहीं बदल रहा हूं। तो ये पिच परफेक्शन हमें समझना होता है, जिस प्रकार से बातचीत में एक पिच होता है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो एक पिच में बात कर रहा हूं, मैं इस पिच पे अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि ये मेरा पिच ऊंचा हो गया,
और ये मेरा पिच फिर से नीचा हो गया, है ना। वॉल्यूम अलग होती है और पिच अलग होता है, ये फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो संगीत में उतरते हैं। वॉल्यूम कि अगर मैं इतनी धीरे बात करने लग जाऊं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन यही मैं लाउड बात करने लग जाऊं, अभी देखिए मैंने और लाउड कर लिया है, मैं अपने आप को और लाउड कर रहा हूं, तो वॉल्यूम के साथ थोड़ा थोड़ा पिच भी ऊंचा होता है वैसे, है ना। आप ये चीज़ तो महसूस कर पा रहे हैं, यही चीज़ हमें गाने में महसूस करनी होगी, गाने में भी यही पिच होते हैं, कुछ अलग नहीं है, है ना। उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी कितनी ऊंची कितनी नीची है तो वो पहचानेंगे। क्या क्या आएगा पिच में, क्या क्या आएगा, स्वर लिख लीजिए आगे, पिच के आगे, कि पिच में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, स्वर, अलंकार। स्वर के आगे आप ये भी लिख सकते हैं स्वर और उसके प्रकार हम सीखेंगे, शुद्ध कोमल तीव्र आपने ये नाम सुने होंगे, है ना। ये कुछ ग्रामर है, व्याकरण है, जो हर लैंग्वेज की भी होती है भाई, हिंदी सीखी है, अंग्रेजी सीखी है, उर्दू सीखेंगे, कोई भी भाषा सीखेंगे, उसका एक व्याकरण भी तो होता है कि नहीं, कि वर्णमाला उसकी, अल्फाबेट्स उसके, तो वही अल्फाबेट संगीत के भी हमें सीखने होंगे, क ख ग घ जो है यहाँ भी होते हैं, सारे गमा जो होते हैं, ठीक है, वो हमें सीखने होंगे अल्फाबेट्स म्यूजिक के, और इन अल्फाबेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, शब्द निर्माण, है ना, फिर उन शब्दों से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से एक स्वर, एक स्वर से अलंकार कैसे बनता है, सारे गमा पधनीसा, उसको हम समझेंगे। ये सात सुर कौन कौन से हैं, इनकी ऊंचाई नीचाई क्या होती है ना, ऊंचाई नीचाई होती है कि नहीं इनमें, ये एक जैसे थोड़ी होते हैं भाई, सारे गमा पधनीसा ऐसे थोड़ी होते हैं, सारे गमा पधनीसा इस तरह से जाते हैं ना ग्राफ, सानी धा प ध नी सा, नीचे भी उतरते हैं, सारे गामा प ध नी सारे गामा, ऊपर भी चढ़ते हैं, है ना। तो ये ग्राफ बनता है, तो इस ग्राफ को हम समझेंगे सबसे पहले कि स्वरों का ग्राफ क्या होता है, पिचों का पिचेस का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, वो हमने सीखा, यही स्वर के अंदर आया। फिर अलग अलग थाट होते हैं इसमें, यानी अलग अलग स्वरों की पैटर्न्स, अलग अलग बेसिस, जैसे शुद्ध सात सुर गाएंगे तो सारे गमा पधनी, अब यही सात सुर ऐसे भी गाते हैं, सारे गमा पधनी, अब मेरे मुंह से आपने यही सात शब्द सुने सारे गमा पधनी, लेकिन दो तरह से सुने, इनमें फर्क महसूस हुआ कुछ, फिर से गाता हूं एक बार, सारे गमा पधनी, और एक सारे गमा पधनी, कुछ बदलाव था, है ना। हाँ, कोमल आपको मालूम चला ना कि एक सुर उतरा हुआ था, चारों सुर उतरे हुए थे, रे ग ध नी, चार सुर मैंने कोमल लगाए, ठीक है। इसी तरह से सारे गमा पधनी इसमें, और सारे गमा पधनी इनमें, कि भाई कहीं मैंने कोमल सुर लिए, कहीं मैंने तीव्र लिए, कहीं मिक्स कर दिया, तो ये अलग अलग इससे थाट बनेंगे, तो वो सीखेंगे। फिर अलग अलग पिच सीखेंगे, जैसे कोई गाना तेरे नाम, यहां से भी लिया जा सकता है तेरे नाम, यहां से भी, और तेरे नाम, है ना, इसी को तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, अलग अलग पिच बढ़ा रहा हूं मैं इसका, धीरे धीरे पिच ऊपर चढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे 12 पिच होते हैं, तो हम उन 12 पिचों को सीखेंगे हम, कि 12 कौन कौन से सुर हैं जहां से गाने बन सकते हैं, क्योंकि तेरे नाम किसी और पिच से होगा, फिर आपने कोई लाल दुपट्टा लिया वो किसी और पिच से होगा, जनगणमन वो किसी और पिच से होगा, आपका कोई दूसरा फेवरेट गाना वो किसी और पिच से होगा, 12 में से किसी में भी तो हो सकता है वो, है कि नहीं, आपको क्या पता। तो कैसे निकालोगे, अगर ये पिच पता होंगे तो कान तैयार होंगे, ईयर ट्रेनिंग हो रखी होगी, स्वर सेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही डेवलप हो जाएगा भाई, अगर 26 अल्फाबेट्स अच्छे से सीखे हैं तो कोई सा भी वर्ड हो समझ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोई सा भी वर्ड बन तो उन्हीं से रहा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश का जो उन 26 के बाहर है, है क्या, है ना, उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं वॉवल्स, उन्हीं कॉन्सोनेंट्स में है। उसी तरह से इन्हीं सात सुरों में, इन्हीं 12 पिच में, वो पूरा का पूरा संगीत है, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, क्लासिकल हो, सुगम हो, लाइट हो, उपशास्त्रीय हो, कव्वाली हो, गजल हो, भजन हो, ठुमरी हो, कुछ भी हो, वो आएगा इन्हीं में से, ठीक है।